global advertisers, scaling new heights in outdoor media. ज़्यादा ज़रूरी है और जैसा मैं सबसे पहले तो श्रवण को बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया, क्योंकि ये बहुत ही साहस का काम है। आप सब जानते हैं ड्रग लॉबी कितनी स्ट्रांग है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और तो इनकी हिम्मत की पहले तो मैं दाद देती हूँ। और बहुत प्रभावित हुई हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मैं खुद नशे मुक्ति में बहुत सक्रिय हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो क्या है सबसे? हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें कि जब वो माँ बाप के नज़दीक नहीं होते हैं तब इस तरह की बातें इस तरह की संगत में या इस तरह की आदतों में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। अगर हम बच्चों को अपना दोस्त समझें और उनके साथ उनको ये कहें कि भाई तुम कुछ भी करके आओ, लेकिन आके हमारे में कन्फाइड करो, हमें बताओ अच्छा है बुरा है, उसके बारे में तुम निर्णय मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी तुम करके आओगे हम तुम्हारे साथ हैं। कम से कम माँ बाप सबसे अच्छा गाइड होता है टू बिगिन विद। ये जब मुझे रीता जी से बात हुई थी कि जानाजिया जी हैं जो एक फिल्म में ये नशे पे वो करना चाह रहे हैं, मैंने बताया ठीक है मैं, क्योंकि ये एक ऐसा नशा एक ऐसा चीज़ हो गया आजकल कि क्या बताएं आपको, कॉलेज के पास चले ये तो पता चलेगा, हैं हॉस्टल में जाइए तो देखेंगे कि जनरेशन जो है कहाँ जा रहा है आजकल। मैं जब खुद कॉलेज में था तो मैं देखता था दोस्तों को कि मतलब, तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छी एक सोच थी जिसको हमको दिखाना चाहिए, और ये विजुअल कम्युनिकेशन एक ऐसा मीडियम है जो ज़्यादा इम्पैक्ट देता है। अगर विजुअल मीडियम से आप किसी बोलना चाहते हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट देता है। और फिल्म में एक अच्छी बात यह है कि इसको ये इस तरह से दिखाने की कोशिश की है कि जो चीज़ आप बोल रहे हैं ज़रूरी नहीं कि दूसरा आदमी के लिए ही आप कांटे बोल रहे हैं, इसका नतीजा आप पे भी हो सकता है। तो जो आप ड्रग्स बेच रहे हैं आज लग रहा है कि हम अमीर बन रहे हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे को भी इम्पैक्ट दे रहा है। इसमें यही है, इस कहानी के माध्यम से यही बताने की कोशिश की है कि जो चीज़ आप बोल रहे हैं जरूरी नहीं कि वो आप काटेंगे, दूसरा ही काटे, उसका इम्पैक्ट आप पे भी आएगा। एक्चुअली सबसे पहले मैं शरवण जी को थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से था मेरे माइंड में कि इस तरह की कोई फिल्म हो जिसमें हम नॉर्मली ये होता है कि किसी ने ड्रग्स लिया उसका परिवार बर्बाद होता है, लेकिन इसमें कुछ अलग है। इसमें जो बेच रहे हैं, जो एक्चुअल में अगर ड्रग आए ना इंडिया में तो कोई यूज़ नहीं करेगा, लेकिन है क्या कि मैडम ने जैसा कहा कि बहुत लॉबी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर इन्फ्लुएंस रखती है जो ड्रग लॉबी है, तो बहुत मुश्किल है। तो उन लोगों को कम से कम इस फिल्म के माध्यम से का तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि मेरे को लगा कि ड्रग्स का जो है ना व्यापार काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो उस मुद्दे के लेके मैंने माइंड में आया कि क्यों ना इसके ऊपर एक जो है फिल्म बनाई जाए। और ये फिल्म बनाने का हमारा मकसद है कि एक भी ड्रग्स माफिया जो है इस फिल्म को देख के अगर अपना ये धंधा बंद कर देता है तो मैं समझूंगा कि हमारा ये लक्ष्य इस फिल्म को बनाने का पूरा हो गया। अच्छा, आपने देखी वो छोटी सी बड़ी प्यारी सी फिल्म बनाई है, जैसा आप बनाना चाहते होंगे या जैसा आपने सोचा होगा कि भाई मुझे ऐसी फिल्म देखनी है, ऐसी फिल्म बनानी है, क्या वो ऐसी फिल्म दे सके ये आर्टिस्ट ये डायरेक्टर? हाँ, उजाला जी का मैं जो है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है, जैसा हमने चाहा था उससे भी अच्छा करके इन्होंने दिया है। अब क्या हर चीज जो भी होती है वो प्रभावित तो करती है कहीं ना कहीं, और जैसा कि मेरे दोस्त का प्रयास है श्रवण का, बहुत अच्छा अभिनय भी किया लोगों ने, तो मुझे लगता है यार कि जहाँ भी पहुँचेगी आप, क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते कि इतना लोगों पे इफेक्ट डालेगी उस तरह से इफेक्ट डालेगी, बट हाँ इतना है कि यार 6 अरब जनता है, उसमें से 6 लोग भी चेंज होते हैं तो मेरे ख्याल से वसूल हो जाएंगे पैसे यार। और क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी है इस तरह के और भी कई सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, सिर्फ ड्रग्स की बात नहीं है, तो कैसे किस तरह से इस तरह शॉर्ट फिल्म मीडियम